16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, एक आदमी इंजर्ड। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है वो इन्होंने ऐसा बताया है, वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ दी इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी। दे सेड उनको भुसावल जाना था और जो औरंगाबाद से ट्रेन जाने वाली थी वो ऑलरेडी शाम को, कल शाम को ही निकल चुकी थी। सवेरे का टाइम था ये घटना। मुझे ऐसा रेलवे पहली बार ऐसे जाता, रेलवे तो बंद था लेकिन सवेरे एक रेलवे गया जो मालवा तेल का रेलवे आता है वो पहले गया। वो कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजने के बाद हमने जो कि ये रेलवे पहली बार इतना कस के हॉर्न चालू हुई तेज़ हॉर्न पर, फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, ज़ोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज़ आया ज़ोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज़ क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे वो बच गए, समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए, और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और आके हमने देखा था, पहली बार मैंने देखा, मेरे इसमें तो ऐसा लगा मेरे को नबल लग गया, ऐसा घबराहट से महसूस होने लगी कि अभी क्या करूँ मैं और किसको पहले फ़ोन करूँ। उसके बाद देखा मैं भाई क्या साहब काबली करमाड़ पुलिस स्टेशन के साहब पी एस साहब, उनको सबसे पहले फ़ोन करा मैं, भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब क्या करो यहाँ पे, मैं अकेला से और आदमी भी नहीं। उसके बाद में फिर दमदम से गांव के लोग, सरपंच उनको, नागरिकों को उनको मालूमत हो गई, फिर वहाँ से आ गए। फिर करमाड़ के पीआई साहब जल्दी आ गए और उन्होंने आग ली का ये देख कर जायजा लेकर चालू कर दिया उनको। इन जगह पर 15 लोगों की डेथ हो गई थी और एक एम्बुलेंस में जाते जाते दवाखाने में जाए तक एक एक्सपायर हो गया। ये गाँव सटाना है, औरंगाबाद जिले के अंदर सटाना गाँव है। ये लोग एमपी से जलगांव जालने से निकले थे, एमपी के लिए जाना चाहते थे, भुसावल मार के जाना चाहते थे, ऐसा बोल रहा था बोलना था उनका। नहीं घायल से उनसे नहीं, लेकिन जो 3 जो उनके अच्छे तीन लोग जो उनके अच्छे थे उनसे बात हुई थी थोड़ी। तो भाई वो हमने बोला तुम कस के बच गए फिर इतना गए, तुम कस के बचे, वो बोले ये जो लोग मरे वाले लोग हैं ये पटरी पर बैठ गए थे, बोले सो रहे थे बस दम गए, वो थक गए, पैदल चलते चलते थक गए और बैठे, बैठने के बाद उनको नींद लग गई है, अचानक से नींद लग गई बोले। और हम भी तो हमको भी नींद लगी थी लेकिन हम ऐसे नीचे बैठे बोले थे, पटरी से नीचे बाजू बैठ गए थे जितने बच्चे ने, बोले हम ये पटरी के नीचे बैठे वाले थे बोले, इसलिए हम भी बच गए बोले। जो बच्चे उनके लिए करीबन 30-35 ऐसी उम्र लग रही थी।